हे गाइस, आज का क्लास क्या आप कर पाएंगे? क्योंकि आज की क्लास होने वाला है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक मछली किस तरह से पानी के अंदर सर्वाइव करता है। इसी के ऊपर छोटा सा एक ड्राइंग हम लोग बनाना सीखेंगे, और कितना इजीली हो सकता है ये मैं सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर कमेंट पे अपना नाम और एज जरूर बताइए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाने में। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो को कंप्लीट ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद। चलिए तब तक के लिए अभी पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाते हैं। पहले तो आप पेपर के बीचों बीच में एक हल्का हल्का करके पतला सा सर्कल बनाइए। उसे बनाने के बाद उसके पीछे ही एकदम छोटा सा एक सर्कल बनाइए, वो मछली का पूंछ बनेगा। अब आउटलाइन को डार्क करके मछली के शेप देंगे हम लोग। इस तरह से आप लोग देखिए ये मुंह बन रहा है, अभी नीचे वाला हिस्सा बन रहा है, अभी पीछे जो हमने सर्कल बनाया था उससे पूंछ बनाएंगे मछली का। ये हो गया। अभी मुंह के साइड में ही दो लाइन राउंड शेप के, उसके बाद मछली के जो पंख निकल आता है साइड में वो बनाएंगे। उसके बाद दो लाइन इस तरह से, पीछे वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अभी ऊपर पे जो क्या कहते हैं इनको, वो हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ भी बना लेंगे। ये होने के बाद आप देखते रहिए क्या करना है, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ बाकी है। अभी आंखें को बना लीजिए, ये आंखें हो गया। उसके बाद अब नीचे पानी के नीचे बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जंगल होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिनको हम लोग बनाएंगे इस तरह से। अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग बना रहे हैं। अगर आपको अभी लगता है कि आप लोग बना नहीं सकते तो इसे छोड़ दीजिए, अगर आप बना सकते हैं तभी बनाइए। अभी कलर शुरू करते हैं। येलो कलर से पूरा का पूरा मछली कुछ कुछ जगह को छोड़कर ही कलर करिए। देखिए जिन जिन हिस्सों को मैंने सफ़ेद छोड़ा है उन हिस्सों को छोड़ के ही आप लोग कलर कर दीजिए। उसके बाद ऑरेंज कलर से हम लोग शेडिंग करेंगे, इस तरह से देखते हुए शेड दीजिए। ये कुछ हिस्सों में हमने ऑरेंज कलर कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। ये हो जाने के बाद अभी उंगली से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, जैसे पॉलिश करते उसी तरह से। अभी हो जाने के बाद रेड कलर लीजिए, रेड कलर से नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा शेड देते जाइए, ऊपर की तरफ भी पीछे की तरफ भी, सभी जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके शेड दीजिए रेड कलर से। इसके हो जाने के बाद तैयार रहिए नेक्स्ट क्या करने हैं इसके लिए। अभी उंगली से थोड़ा थोड़ा से शेड दे दीजिए। ये हो जाने के बाद अभी बैकग्राउंड में तो हमें कलर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा क्या है, पानी ही पानी है। इसलिए लाइट स्काई कलर जो है उससे हम लोग कुछ हिस्सों को कलर कर देंगे। मेरे तरह देखते हुए करिए। ये कुछ हिस्सों में हमने डार्क किया, कुछ हिस्सों में लाइट करेंगे। इसके हो जाने के बाद मीडियम जो ब्लू कलर है उससे हम लोग पूरा का पूरा जो सफ़ेद वाला हिस्सा है उन्हें कंप्लीट करेंगे। ये डार्क ब्लू कलर नहीं है, मीडियम ब्लू कलर। इसके होने के बाद अभी डार्क ब्लू कलर से जो साइड वाले हिस्से हैं उन्हें कलर कर देंगे। ये हो गया। अभी हमें एक कपड़ा चाहिए, एक कपड़े को लेकर इसे फोल्ड करके अभी मिक्स करेंगे पूरे के पूरे बैकग्राउंड को। इससे करने से क्या होता है, बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया दिखता है। अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे ये बन रहा है, और आप लोग करते रहिए। और अगर अभी अभी देखिए इसे, पहले इसे देख लेते हैं। ये जो जंगल था नीचे की तरफ वो हम लोग बना रहे हैं, छोटे छोटे पौधे। पहले तो हमने लाइट स्काई सॉरी मीडियम स्काई ब्लू कलर से हमने किया, उसके बाद ब्लू कलर से कर दिया। अभी शेड देंगे डार्क ब्लू कलर से सभी को। सभी हो जाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे चलिए देखते हैं। अभी तो फिलहाल इन्हें ही कर दीजिए। अभी हम लोग शेड दे रहे हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको, पानी के नीचे रहते हैं ये सभी। अभी मछली के जो सफ़ेद वाले हिस्से थे उन्हें हमने स्काई ब्लू कलर से थोड़ा सा सेट कर दिया, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी नीचे वाला जो छोटे छोटे पौधे थे उन्हें हम लोग उंगली से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सेट देंगे उंगलियों से। ये हो जाने के बाद मछली के थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा डार्क जो स्काई ब्लू कलर है उसे देंगे। ये हो गया, उंगली से मिक्स कर दिया। अभी जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें थोड़ा सा शेप देंगे ब्लू कलर से। देने के बाद क्या करेंगे चले पहले इसे करते हैं। अभी ये है
एक पेंसिल, डार्क पेंसिल, इसका नेम है 8B। इससे हम लोग मछली का जो ब्लैक हिस्सा है उनको कलर करेंगे। अगर आपके पास ये है तो करिए, अगर आपके पास ग्लास मार्कर है उससे भी कर सकते हैं, या फिर 8B, 10B कोई भी पेंसिल हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो ब्लैक कलर से ही आप लोग कर दीजिए, कोई बात नहीं। ब्लैक कलर के मुँह को थोड़ा सा पतला कर दीजिए कुछ चीज़ों से, उसके बाद उससे कर दीजिए। थोड़ा सा सावधानी से करिए। ब्लैक कलर क्या होता है, तस्वीर को या पेंटिंग को जितना खूबसूरत बनाता है उतना ही जल्दी ख़राब भी कर सकता है, इसलिए ब्लैक कलर करते हुए सावधानी बहुत ज़्यादा रखना होता है। अभी देख सकते हैं पंखों के नीचे ब्लैक कलर हो गया। अभी मुंह पे इसे हो जाने के बाद अभी रेड कलर से शेड दे रहे हैं हम लोग फिर से रेड कलर से शेड देंगे। इनके हो जाने के बाद क्या करेंगे, नीचे के हिस्से को थोड़ा सा ब्लैक, जो ग्लास मार्कर है या फिर पेंसिल है या फिर कलर है ब्लैक कलर, उसे शेड देंगे इस तरह से। अभी देख सकते हैं नीचे हिस्से को शेड दिया। अभी व्हाइट कलर को लेकर नीचे जो छोटे छोटे पौधे थे उनमें थोड़ा सा लाइट कलर की शेड देंगे, इसके लिए हम लोग व्हाइट कलर यूज़ करेंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं व्हाइट या सफ़ेद कलर से हम लोग शेड दे रहे हैं। उसके बाद उंगली से उसे मिक्स कर रहे हैं। कितना ईजी है, इस तरह से सीखते रहिए। अभी पानी में छोटे छोटे बुलबुले तो होते ही हैं, अगर मछली इधर उधर भागता है तो छोटे छोटे बुलबुले तैयार होते हैं, उन्हें भी बना देते हैं सफ़ेद कलर से। उसके बाद उंगलियों से मिक्स कर देते हैं और फिर से सफ़ेद कलर से थोड़ा सा शेड दे देते हैं। ये हो गया। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा पेंटिंग बनके हो गया है तैयार, और आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, हम लोग ज़रूर सीखेंगे। और हमारे साथ बने रहिए।